हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, सुबह हो गई है। आज हम लोग का स्कूल बंद है और भैया का स्कूल खुला हुआ है। मम्मी खाना बना रही हैं और इधर गिलहरियाँ खाना खा रही हैं, लेकिन वो डर के ऊपर चल गई। देखिए, वो रही गिलहरी। आज देखिए हमारे घर में क्या हो रहा है। मम्मी इधर गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते बोलो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। तो आइए, चलिए दिखाते हैं दीदी क्या कर रही है। दीदी देखिए, दीदी चाय निकाल रही है। और चलिए दिखाती हूँ भैया क्या कर रहा है। देखिए भैया पढ़ाई कर रहा है। भैया क्या पढ़ रहे हो? साइंस। साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? बायो। बायो, या देखिए मैं पढ़ रहा है। इधर गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, इस वक्त सुबह के 8:15 हैं और आज कौन सा दिन है लकी? वेडनेसडे, मतलब बुधवार। हाँ, तो दोस्तों आज है बुधवार और ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 8:15। तो आज सबकी जो है छुट्टी है। शिवम की मेरी छुट्टी नहीं है, लेकिन आज शिवम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ शिवम? देखिए शिवम को जो है जगड़ लिया है, थोड़ा सा सर्दी मिलवा देते हैं। बोल अरे यार, हाँ यार, इसको तो फीवर हो गया है। तुम पहले मोजा पहनो, बिस्तर में घुसो, हम तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाते हैं और दवा मंगाते हैं। तो देखिए शिवम को हो गया है हल्का हल्का फीवर और आज शिवम स्कूल, फीवर हो गया तो कैसे स्कूल जाएगा मेरा बेटा? तो शिवम स्कूल नहीं जाएंगे, बाकी सब छुट्टी के मजे ले रहे हैं। तो मैं सुबह सुबह चूल्हा बासन सब करके अपना किचन का वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारी कैमरा मैन यहाँ बैठ के देखिए क्या कर रही है। अरे सब्जियाँ जला, चलाओ उसको, चलाओ 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 चलाओ। तो मैं अपना किचन का सुबह सुबह ही सोच रही हूँ वीडियो शूट कर ले, क्योंकि आज हमें बहुत दिन ज़्यादा काम है, खेतों में जाना है, मिट्टी वगैरह आलू पे चढ़ानी है और उसके बाद मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो हमको दवाई को जाना है बनारस और नए प्लाट पे भी जाएंगे। उसके पहले हमारी एक मित्र कल कमेंट की थी कि मेरे वो रातरानी का पौधा हम उनको जो है ठीक से नहीं दिखाते। भैया देखो, रुको, अभी मैं कैमरा बैक करती हूँ और आपको दिखाते हैं अपने आंगन का रातरानी का पौधा। तो देखिए ये हमारे घर में रातरानी है और ये जब रात को खिलता है 7:30-8 बजे के बाद जब ये खिलता है तो पूरा एकदम गजब का वातावरण हो जाता है पूरे घर में और आसपास सब जगह जो है इसकी खुशबू फैलती है एकदम। और ये खूब झकड़ा हुआ है, देख लीजिए, ये है रात रानी, हमारे घर की रात रानी। देखिए तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी से वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद फिर चलेंगे और बाकी काम करेंगे। तो अन्नू का देखिए हो क्या रहा है, ये क्या काट रही हो? इसका जब छुट्टी रहता है तब देखिए ये करती क्या है, इसका कटपीट चालू है। और इधर देखिए इसने क्या रखे हैं, ये क्या रखी है, देखिए ये जो है, ये देखिए इसकी सब्जी बन रही है। इसने, मैं जो सब्जी बना रही हूँ उसमें से इसने सब्जी थोड़े से निकाले हैं और इसमें आग जला हुआ था तो इसमें हल्की हल्की आँच है और ये अपना पानी में आलू और पता नहीं क्या डाल के पका रही है। आलू बैगन सेम, देखिए तो ये आलू और बैगन सेम जो है डाल के पका रही है। तो भाई अपना अन्नू का अलग खिचड़ी पकता रहता है, हमारा तो अलग ही पकता है। तो दोस्तों देखिए इस वक्त 10 बज गए हैं और हमने खाना बना लिए हैं, किचन के वीडियो शूट कर लिए हैं, शिवम हमारा गया है दवा लेने और हम चल रहे हैं जो कल हमने प्याज भिगो के रखे थे उसकी जो है नर्सरी लगाने। तो चल रहे हैं खेतों में और खेतों में हम आलू पे मिट्टी भी चढ़ाएंगे और प्याज की नर्सरी यहाँ कपड़े में रखे हैं तो इसको डालेंगे। तो चलिए खेत में दिखाते हैं कि जो हमने प्याज भिगो के रखे थे वो कैसा है और कैसे इसकी नर्सरी जो है लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ये प्याज के जो बीज हमने कल भिगोए थे और इसको रात में कपड़े में रख दिए थे। तो देखिए बीज कैसा है, तो ये देखिए ये बीज जो है अच्छे से फूल गया है और इसमें से जो है अंकुर के लिए फूट गए हैं इसके मुख जो है, ऐसे कमरे में समझ में नहीं आएगा
बट ऐसे दिख रहा है कि इसके मुख फूट गए हैं। तो अब इसको हम जो है मिट्टी में नर्सरी लगाएंगे, मिट्टी में डालेंगे। तो देखिए मिट्टी की हो रही है गुलाई। चलो अनु जल्दी जल्दी तुम गड़ो खेत। मम्मी इसमें से कुछ बीज मुझे भी चाहिए। तो भाई अनु आ गई हैं हमारे खेतों में, अनु किसान आ गई हैं ना अनु। अब हम लोग इसमें प्याज की लगाएंगे नर्सरी। तो चलिए प्याज की नर्सरी लगाते हैं। तो नर्सरी लगाने के लिए देखिए यहाँ बीज में थोड़े से मिट्टी मिला रहे हैं। दरअसल ये जो व्यक्ति हैं ये आए थे अनु पापा से मिलने, और फिर इन्होंने कहा कि ये इस बार प्याज की नर्सरी अपने हाथ से ये छींटेंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप ही जो है छींटिए। कई बार हम लोग नर्सरी लगाते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं होता है, तो इस बार हमने कहा चलिए देखते हैं, हो सकता है कि इनके हाथ से बढ़िया हो जाए। तो देखिए ये जो है बीज में मिट्टी मिलाए हैं, मिक्स किए हैं, और अब इसको जो है ये खेतों में छींट रहे हैं। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपके हाथों से बार बार बिगड़ती हैं तो उसे दूसरों के हाथ से भी ट्राई करने देना चाहिए, क्या पता कब किसके किस्मत से बढ़िया सब कुछ हो जाए। तो देखिए प्याज के बीज को छींट कर और फिर ये जो है उसकी हल्की हल्की सी कर रहे हैं गुड़ाई। तो इसी तरह से प्याज के जो है नर्सरी लगाते हैं। तो गुड़ाई करने के बाद फिर उस पर जो उसको जो है देखिए इस तरह से हम लोग इस पुआल से ढक देंगे। तो दो तीन दिन तक इसको ढकेंगे कि जब तक इसमें से अंकुर ना निकल जाए। तो जब इसमें से अंकुर निकलेंगे तभी इसको हम हटाएंगे। तो दोस्तों देखिए 11:30 बज गए हैं और नर्सरी लगा लिए हैं और हम चल रहे हैं घर। अब हमको चूँकि जाना है दवा के लिए, चलते हैं देखते हैं शिवम दवा खाया कि नहीं, और अपनी भी तबीयत नहीं ठीक है, जाएंगे नए वाले घर, अब बनारस जाएंगे दवा के लिए। चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए 1:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं दवा लेने। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। ठीक है अनु आते हैं। ठीक है शिवम छाव में अपना टोपी ओपी लगा कर रहना है। बाय बाय भैया, कहानी सुना करना डायनासोर की। तो चलते चलते हम यहाँ एक एटीएम के पास रुके हैं, तो देखते हैं यहाँ से कुछ पैसे ले लेते हैं। वैसे तो मेरे अकाउंट में तो 0 बैलेंस है, सर के अकाउंट से निकालते हैं देखें कुछ है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए हम दवा लेके आ गए हैं और आ गए हैं इस वक्त अपने नए प्लाट पर। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था तो वो देख लेते हैं। और इस वक्त बजे हैं बाप रे 5 बजने वाले हैं, और हमारे यहाँ तो वहाँ गांव में एकदम हल्का हल्का अंधेरा सा हो गया होगा, लेकिन अभी यहाँ पे पीछे हमको सूरज दिख रहा है। शहरों में लगता है अंधेरा रात बाद में होती है, गांव में लगता है पहले ही हो जाती है। और आज बता दे दोस्तों ना, घर से निकलते हुए जल्दी जल्दी में यार मेरी ज़ोरदार बेइज्जती समझ लीजिए हो गई है, बता नहीं सकते हैं, हमको खुद ही शर्म आ रही है कि मतलब इतना जल्दी जल्दी में आज हम ना जाने दीजिए नहीं बताएंगे। हाँ तो गजब की, ऐसा तो लाइफ में कभी नहीं हुआ था जो आज हो गया है। घर से जल्दी जल्दी में निकलते हुए हम घर का वो दूर रंग का जो चप्पल पहन के घूमते हैं ना आप लोग देखते हैं अक्सर करके, वह चप्पल पहन के चले आए हैं। हम दिखाएंगे नहीं, बाप रे अभी को हम जाके देखे। हम गए थे अपने एक रिलेटिव के यहाँ, वहाँ उसके बाद फिर हम चले गए थे दवा लेने वहाँ, और जस्ट जब हम यहाँ आए हैं अपने प्लाट पे और उसके बाद फिर अभी को देखे हैं, तो बाप रे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था फिर अब क्या करें। तो गजब की बेइज्जती यार, ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो हम अपने गांव में खेतों में जो चप्पल पहन के घूमते रहते हैं दो रंग का, दरअसल कई बार आप लोग भी कमेंट करते हैं कि दो रंग का चप्पल आवाजी, तो रिबन वगैरह अक्सर करके टूट जाता है तो रिबन लाते हैं डाल देते हैं और अपना जो है जैसे जुगाड़ वाला अपना काम चल जाता है। और वही पहन के हम टहल रहे थे और लेट हो रहा था हमें, और जल्दी जल्दी हम वैसे ही निकल लिए। हमारे बच्चे भी नहीं ध्यान दिए आते वक्त जो है भी को देखे हैं, कोई सा गजब लाश पर मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग कहाँ बताए। चलिए अच्छा, मैंने अभी अभी अपना चैनल जो है देखे, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है यार आप लोग तो इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि हम कमेंट पढ़ने लगेंगे तो 20 मिनट तक का तो कमेंटें पढ़ते रह जाएंगे।
तो चलिए थोड़ा सा समय निकालेंगे तो आप लोग के कुछ मित्रों के कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। अभी देखिए घर जाएंगे तो कब तक घर पहुंचते हैं ये भी हमारा कोई तय नहीं है। ये बैलून यहीं का यहीं रह गया, आज बैलून सब बीन लेते हैं। अरे बाप रे, देखिए इनका जूता और मेरा दो रंग का चप्पल। तो चलिए फिर चलते हैं अब घर, क्योंकि अब अंधेरा यही हो गया। देखिए कब तक पहुंचते हैं घर। शिवम का फोन आ रहा है, घर से शिवम का फोन आ रहा है तो फोन रिसीव करते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं घर और खाना वाना सब बन गया है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त रात को 8 बज गए हैं। तो शिवम अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? थोड़ा सही लग रहा है ना, मतलब सर पे तेल धक के दबा दें। और कल तो जाना पक्का है स्कूल, कल क्या है? बाइबल चल रहा था ना। चलो से दवाई टाइम से अपना खा लो और चले। देखिए अब सब लोग क्या कर रहे हैं। लकी, देखिए ये है लकी, क्या पढ़ रही हो? कंप्यूटर। हाँ। अच्छा तो क्या बनाई लकी खाना में? आलू की सब्जी और रोटी। सब्जी नहीं था क्या? कौन? नहीं, खेतवा में से गोभिया तोड़ लियो के ना, गोभिया तो होगा लला। तो छोटा छोटा था इतना, एक तो तोड़ लेती उसी में से हो जाता है। अन्नू को, चलिए अन्नू को दिखाते हैं। इनका तो आलू और कथुक सब्जी लकी, आलू टमाटर का सब्जी और रोटी ना। और ये है अन्नू, खाना खाई? हाँ। खाना खा ली हो तुम? हाँ। बढ़िया बनाई थी दीदी? हाँ। सब्जी बढ़िया बनाता? हाँ। तो क्या पढ़ रही हो? व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा व माध्यम है। जोर से सुनाओ, सबको सुनाओ जोर से। भाषा व माध्यम है जिसे हम मनुष्य अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने को भाषा कहते हैं ना, जिस माध्यम से। हाँ। चलो पढ़ो, ठीक से पढ़ो, अभी आएंगे और पूछेंगे। और लकी दादी खाई? हाँ। दादी खा के सो गई? चलो तो नहीं पीती। अच्छा नहीं पी। और कौन कौन खाया है, कौन नहीं खाया है? मैं खा ली हूँ, अनु खा ली है, भैया भी नहीं। चलिए देखिए भैया को दवाई भी खाना है।